हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि ईद आने वाला है, तो आज का जो रेसिपी है चिकन बिरयानी रेसिपी है। तो बहुत क्विक और बहुत सिंपल एक चिकन बिरयानी का रेसिपी है ये, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं चिकन बिरयानी। तो देखिए, बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल डाला है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से गरम मसाले लिए हैं जो साबुत हैं, 3 दालचीनी ली है सिनेमन स्टिक, इसके अलावा 5 से 6 हरी इलायची ली है, 3-4 मैंने यहाँ पर बे लीव्स लिए हैं, 4 से 5 क्लव्स है लौंग, उसके अलावा 1 स्टार अनीस लिया है, और 8 से 10 काली मिर्च साबुत ली है, और 1 काली इलायची ली है। तो ये सारे गरम मसाले हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ मिसिंग है तो आप वो स्किप कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना डाल दीजिएगा आप। अब 1 मिनट के लिए वेट करेंगे ताकि जो ये गरम मसाले हैं अपना फ्लेवर सारा तेल में छोड़ दे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे बहुत बारीक मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया है। उसको हम तेल में डाल देंगे और फ्लेम हमारा हाई पर होना चाहिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। तो देखिए, 3 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर फिर से 3 हरी मिर्च डाली है, जो वो तीखी हरी मिर्च है उसको भी डाल के हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो प्याज है हमारा सॉफ्ट हो रहा है। अब 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसे 3 से 4 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि सबका कच्चापन निकल जाए। तो देखिए, यहाँ पर सब अच्छी तरह अभी मसाला रेडी हो रहा है। अब मैं यहाँ पर मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 3 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर धनिया का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स का पाउडर डाला है, 2 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर है, ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर है। इसके अलावा मैं यहाँ पर चिकन मसाला डाल रही हूँ, तो ये मैंने 2.5 टीस्पून चिकन मसाला डाला है। कोई से भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल दिया है। इन सब को आपको फ्राई करना है और जो फ्लेम है अब आपका लो पे होना चाहिए ताकि हमारे मसाले बिल्कुल भी जले ना। 1 मिनट तक ऐसे मिलाते हुए आपको फ्राई करना है। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी डालिएगा, जैसे 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको अच्छी तरह आपको फ्राई करना है, और जो फ्लेम है आपका लो और मीडियम के बीच में होना चाहिए, मसाला बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा फिर से पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या होता है ना कि मसाला बहुत अच्छी तरह फ्राई होकर आता है और हमारा मसाला बिल्कुल भी जलता नहीं है। तो देखिए, 2 से 3 मिनट बहुत अच्छी तरह आपको ये मसाले को भूनना है। तो देखिए, यहाँ पर तेल आ गया है ऊपर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा टमाटर है वो डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को ऐसे चॉप कर रखा है, वो डाल दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको ढक के हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर हैं बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो 2-3 मिनट के बाद देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं टमाटो सब अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर 1/2 कप दही डाला है। दही को बहुत अच्छी तरह मिलाना है। जब भी आप दही डालें, जो आपका फ्लेम है उसे मीडियम पे रखिएगा, और दही डालते ही आपको तुरंत उसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि वो मसाले में बहुत अच्छी तरह इवनली मिक्स हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली मिक्स कर रही हूँ। दही बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको ढक कर हमें कुक करना है ताकि हमारे जो दही का पानी है सब ड्राई हो जाए और सारा तेल जो है वो मसाले के ऊपर आ जाए। तो इसे ढक देंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद आप देखें, यहाँ पर बढ़िया सा हमारा मसाला रेडी हो गया है, तेल भी सब ऊपर आ गया है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन इसमें ऐड कर दिया है। वो चिकन मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश करके ड्रेन करके रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने छोटे पीसेस करवाए हैं, आप चाहें तो इसे मीडियम साइज़ में भी कटवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है। नमक थोड़ा स्टार्टिंग में कम ही ऐड करिएगा। तो नमक ऐड करने का, इसको अच्छी तरह आपको मिक्स करना है। तो अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी दही का पानी है, और चिकन में से भी, जब चिकन गर्म होगा तो चिकन में से भी पानी निकलेगा। तो उसी पानी में ही हमें इस चिकन को, इस मसाले को पकाना है। बहुत अच्छी तरह ढक देंगे। तो अब इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 15 मिनट हो गया है, तेल बिल्कुल अच्छी तरह सरफेस पे आ गया है, और चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो यहाँ पर जो मेरे को चिकन मिलता है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो चलिए, 1 चिकन का पीस लेकर मैं देख लेती हूँ।
देखिए यहाँ पर चिकन बहुत अच्छी तरह कुक हो गया है, तो हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो रेडी हो गया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 कप बासमती राइस है, ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है, इसे मैंने अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए मैंने सोक कर रखा था, वो डाल दिया है। देखिए आप कोई सा भी बासमती राइस लीजिए, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसे अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए या फिर 45 मिनट्स के लिए आपको उसको सोक करना है। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए सोक किया है, तो अब मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। तो 3 कप चावल के लिए मैं यहाँ पर 5 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है, वो डाल दिया है मैंने इसमें। आपको इस टाइम पे नमक वगैरह चेक करना है, इसको हल्का सा हिलाइएगा, ज़्यादा हार्ड स्पैचुला मत चलाइएगा, वरना हमारी जो ग्रेन्स है, जो राइस है, वो टूटने के चांसेस रहेंगे। अब मैं इसको ढक दूंगी और इसको हाई फ्लेम पे उबलने का वेट करूंगी। तो देखिए यहाँ पर हाई फ्लेम पे ये उबल रहा है, आपको ध्यान रखना है हाई फ्लेम पर ही रखना है। इसको एक और बार मिक्स करेंगे, इस टाइम पे आप इसमें नमक वगैरह चेक कर लिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर केवड़ा वाटर डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर बिरयानी एसेंस डाला है, ये फ्लेवर बढ़ाने की चीज़ें होती हैं इसलिए मैंने डाला है। हल्का सा मिक्स देंगे, आप देखिए यहाँ पर मिक्स करना है जैसे मैं मिला रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी कम हो गया और चावल ऊपर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता डाला है, थोड़ा सा इसको मिलाएंगे। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल कम हो गया है, राइस ऊपर दिखने लगा है। अब हम इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आपके गैस पे लो फ्लेम नहीं है तो एक तवे के ऊपर रखकर बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिएगा 15 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो गया था, 15 मिनट के बाद मैंने तुरंत बिरयानी को खोला नहीं था, 10-15 मिनट के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया था ताकि वो उसी स्टीम में हमारा जो चावल है अच्छी तरह खिले खिले से बन जाए, अच्छी तरह पक जाए। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए ईद स्पेशल हमारा चिकन बिरयानी रेडी हो गया। पर्सनली बोलो तो मेरे को यही इसी टाइप का बिरयानी ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें चावल और जो चिकन का जो करी वगैरह होता है एक साथ पका हुआ होता है, उसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है राइस में। तो इस ईद आप सब लोग इसे ट्राई करके देखिएगा। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन अनियन फ्राई करके रखा हुआ था, वो डाला है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करिएगा। उसके जस्ट अपोजिट एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक करेंगे तो मैं जितनी भी रेसिपीज डालती हूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर आएगा। तो अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।